कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्या आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग कहाँ मौजूद हैं? आज हम टिप्स कॉलेज में मौजूद हैं और चलिए आपको इसका विजिट करवाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसे जा रही है। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं क्लास की तरफ, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं और उनका जो है वो स्टडी का प्रोसीजर किस तरीके से चल रहा है। तो चलिए उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। So, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और पूछते हैं कि उनकी स्टडी कैसी जा रही है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल यासी। कैसी स्टडी जा रही है? अच्छी जा रही है स्टडी। किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? मैं एफएससी इंजीनियरिंग। आप किस क्लास के हैं? आईसीएस फिजिक्स। फिजिक्स, तो फिजिक्स अच्छी लगती है आपको? जी। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस के साथ फिजिक्स का क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक है फिजिक्स से। ठीक है, ओके। आपका क्या नाम है? फिजान। आप क्या कर रहे हैं? एफएससी प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंस टीचर। क्या आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। आपने टिप्स में ऐसा क्या सीखा है, आपने क्या चेंजिंग आई है यहाँ पर आके? इनका लेक्चर बहुत समझाते सही तरीके से हैं, समझ आ जाती, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अच्छा समझाते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहे टिप्स आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग लेकर आया है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके नॉलेज में, आपके जो है फ्यूचर इन्हेंसमेंट में, क्या आपके नॉलेज में जो है वो आई है तब्दीली? जी, अहमद नाम है मेरा। क्या तब्दीली आई है आपने? अभी तो कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो मतलब अभी ये लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी फ्यूचर की प्लानिंग स्टार्ट है कि इन्होंने करना क्या है, तो आगे जाके इनको पता चलेगा कि टिप्स इनकी जो है ना लाइफ में या फ्यूचर में क्या एनहांसमेंट लेकर आया। Dun 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 d
लोग जानते हैं कि हम लोग टिप्स कॉलेज में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जब तक हम आए हैं तो यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर ब्रेक हो रही है और बच्चे कुछ इंजॉय कर रहे हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम कैफेटेरिया के सामने मौजूद हैं और साथ साथ आपको टिप्स कॉलेज विजिट करवा रहे हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टिप्स कॉलेज में मौजूद हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं, तो चलिए कुछ प्रोफेसर से भी पूछते हैं कि आखिर वो हमें क्या बता सकते हैं टिप्स के बारे में कि यहाँ पर क्या प्रमोट किया जा रहा है, क्या स्टडी करवाई जा रही है। तो चलिए उनका इंटरव्यू करते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद बाबर शफकत मेरा नाम है जी। मैं इधर माशाल्लाह टिप्स कॉलेज की फैमिली के साथ मुझे 8 साल होने लगे हैं माशाल्लाह। 2016 में मैंने ज्वाइनिंग दी थी इनके साथ, ठीक है। तो माशाल्लाह टिप्स कॉलेज आप देखें कि एक नर्सरी का जो बच्चा है वहाँ से लेके इनको मास्टर्स तक की स्टडी वगैरह देते हैं। जैसे आप देख लें किनाल कैंपस के ऊपर हमारा एक छोटा स्कूल है, उसमें हम नर्सरी के बच्चे से लेके फिर हम उसके बाद मैट्रिक के पेपर के बाद इंटर होता है, हमारे इधर टिप्स कॉलेज डी कैंपस में होता है, किनाल कैंपस में होता है इंटर। उसके बाद हम आप देखें कि इंटर के बाद यूनिवर्सिटी की कुछ इधर BBA हो रहा है, फिर BSCS हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा बहुत बड़ा अदारा है CA का। जैसे इंटर के बाद आप देखें CA करा रहे हैं किनाल कैंपस में। अब आप देखें कि हमारे फैसलाबाद में सबसे बड़ा जो अदारा CA का है वो टिप्स कॉलेज का है। टिप्स कॉलेज की पहचान जो है वो CA है। अब आप देखें इंजीनियर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, CA के बहुत कम लोग होते हैं। पूरी दुनिया में देखें कम से कम 10-15 हज़ार लोग होंगे जो CA हैं। तो वो CA की सबसे जो बड़ी जो हमारा पैदा करने का जो स्टूडेंट पैदा करते हैं, जो CA के लेवल पे हम उनको स्टडी करवाते हैं, वो टिप्स कॉलेज के हमारे माशाल्लाह जो मालिक से बहन है, तीनों डायरेक्टर खुद क्लास ले रहे हैं, उसके साथ हमारे इशफाक साहब हैं वो क्लासेस ले रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि टिप्स स्पोर्ट्स में माशाल्लाह बहुत आगे है। आप देखें कि हमारे लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी के कुछ फेस्टिवल हुए हैं, ये GC यूनिवर्सिटी में 233 कॉलेज थे, जिसमें टिप्स कॉलेज में 233 कॉलेज में कबड्डी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, टागो हवार में 3rd पोजीशन हासिल की है। शेखा मुकद्दस वड़ैच, उसने पूरे पंजाब में माशाल्लाह जितने भी HSN कॉलेज दूसरे जितने भी बड़े अपना अदारे थे उनका स्पीच का एक इंग्लिश स्पीच के ऊपर एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें पूरे पंजाब में पाकिस्तान में उसने 3rd पोजीशन हासिल की थी। वो माशाल्लाह टिप्स कॉलेज का बच्चा था। फिर उसके बाद उसकी माशाल्लाह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन हुआ। अब माशाल्लाह उसका 7th सेमेस्टर उधर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मेरा वो स्टडी कर रहा है। उसके अलावा टिप्स ने बहुत बच्चे बहुत माशाल्लाह अफीसर पैदा किए हैं, जो माशाल्लाह मार्केट में हमें मिलते हैं, पता चलता है ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। तो माशाल्लाह टिप्स में स्टडी आप देखें कि पंजाब है, किप्स है, वो भी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किप्स की फीसें बहुत कम है। ये जो हमारे डायरेक्टर साहबान है जैसे एक फीस बिलिल्ला एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं वो है। जैसे आप देखें अब आप देखें 40-50 हज़ार कोई फीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल जैसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए टिप्स में मैं आपको बताता हूँ कि इधर हमारे पास कोई 20 से ऊपर माशाल्लाह 30 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो फ़ी नहीं पे कर रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर साहबान हैं वो बिल्कुल बेलोस, उनको कोई फ़ी नहीं, बिल्कुल कॉलेज की तरफ से फ्री उसको 2 साल अपना एजुकेशन दी जाती है, उसके उसको कोई पैसा नहीं लिया जाता, उसको प्रॉपर पढ़ाया जाता है। और कॉलेज उसके साथ कंप्रोमाइज़ ये भी करता है कि उनको अगर यूनिफॉर्म की ज़रूरत हो तो यूनिफॉर्म भी मुहैया करता है, उनको शूज़ वगैरह की ज़रूरत हो शूज़ वगैरह, महाना वजीफ़ा वगैरह भी मुहैया करता है। स्पोर्ट्स मैन को भी ऐसे है, स्पोर्ट्स मैन के जो हमारे अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं उनकी हम फीसें भी कम करते हैं, और उनको हम मुख्तलिफ जो आपका देख लें अपना यूनिफॉर्म है, ट्रैक सूट है, वो भी टिप्स कॉलेज में मुहैया करता है। टिप्स ने माशाल्लाह मार्केट में बहुत ही एफर्ट किया है एजुकेशन के लिए, और खास उन लोगों के लिए जो फील्ड्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे आप देख, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कुछ जो है बताया टिप्स के बारे में कि टिप्स क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी स्टडी के लिए, इवन उनके फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा सहूलियातें हैं, वो भी उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस इदारे के लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, वो बच्चों की फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तो काइंडली इसको सपोर्ट करें और इस चैनल को या इस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ज़रूर शेयर करें। सो काइंडली शेयर आवर वीडियो, लाइक आवर वीडियो, एंड काइंडली हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और काइंडली शेयर आवर वीडियो।
सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कितने अरसे से मौजूद हैं और टिप्स को उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। तो चलिए चलते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कितने अरसे से मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थिंग्स आर गोइंग वेल। तो अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप टिप्स को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। टिप्स बेसिकली एक ऐसा इदारा है जिसकी एज को 25-26 साल से ज़्यादा है, तो इस लर्निंग कर्व के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंड्यूस कर रहे हैं। उसमें अभी रिसेंटली हम एक काम कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट क्या है कि जो कंप्यूटर साइंसेज के बच्चे आते हैं उनके पास कम अज़ कम ऐसी कोई फ्रीलांस स्किल मौजूद हो जिसकी बेस पे वो तीसरे चौथे सेमेस्टर के बाद कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दें। और प्रोफेशनल एक्सीलेंसी के लिए एकेडमी के ऊपर हमारी टीचिंग क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम चाहते ही हैं और इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हैंड्स ऑन स्किल दें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बच्चों को ऐसी कौन से स्किल्स दे रहे हैं जिससे वो फ्यूचर में अर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसी देखें, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही हैं उसको हमें अडॉप्टेबिलिटी देनी है, और उस अडॉप्टेबिलिटी में वर्चुअल असिस्टेंस की चीज़ें हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, और उसके अलावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट। खैर मैं यूँ समझता हूँ कि शायद आज के दौर में इट इज़ गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर जो है वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी तमाम स्किल्स SEO के ऊपर काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट को 6-8 महीने के टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न करना शुरू कर दें ताकि वो किसी अर्निंग पोजीशन में आए। तो आप ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज स्टार्ट करवा रहे हैं यहाँ पर ताकि स्टूडेंट्स की स्किल इम्प्रूव हो सके। तो ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फीसेस, उनके लिए आप क्या रिलैक्सेशन दे रहे हैं? अच्छा, जिसके ऊपर ही बड़ा अच्छा आपका जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई BA CS में एडमिशन ले रहा है या ICS में एडमिशन ले रहा है तो हम उन बच्चों को ये जो कोर्स हैं ये टोटली फ्री ऑफर कर रहे हैं 0 मनी के साथ। सो इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू एडिशन इन दिस एज व्हेन पीपल डोंट हैव बाइंग पावर, सो दिस इज रियली अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो ओके, इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनके फ्यूचर के इन्हेंसमेंट के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस लिहाज से तो बहुत बहुत जो है अप्रिशिएट करूंगी मैं आपको और इस इदारे को कि उन स्टूडेंट्स की जो है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप उनके लिए हेल्पफुल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो आप लोग हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये कॉलेज कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिएगा आगे तक, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।